तो हेलो भाई लोग, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एक्शन थ्रिलर मूवी बताने वाला हूँ जिसको देखकर आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। वरना आपको ये सुनकर शौक लगेगा ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है, ना ही कोई साउथ मूवी है। ये मूवी आई है बॉलीवुड से एंड ये मूवी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है एंड इसके भी जितने भी क्रिटिक्स रिव्यू आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं। एंड इस मूवी को प्रोड्यूस किया है करण जौहर ने एंड इस मूवी में जो एक्टर वो भी कोई बड़ा कोई एक्टर नहीं है जिसका काफ़ी ज़्यादा नाम हो, ना ही कोई एक्शन हीरो। ये बिल्कुल नए एक्शन हीरो हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अभी अपनी फर्स्ट मूवी से डेब्यू किया है। उसी रोल में हमें राघव जुयाल विलन के रोल में नजर आए। मैं बात कर रहा हूँ मूवी किल की, जो कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी होगी एंड कहीं ना कहीं इसके रिव्यूज़ देखे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको इसी मूवी की स्टोरी बताने वाला हूँ। मूवी की स्टोरी होने वाली है कमांडो की, मूवी में दिखाई देने वाली है एंड इस मूवी का जो रनिंग टाइम है वो 2 घंटे से भी कम का है। एंड इस मूवी की जो स्टोरी है वो सिंपल है कि एक जो हीरो होने वाला है मेन लक्ष्य जिनका नाम है वो इस मूवी में कमांडो का रोल प्ले करते हैं। उनकी एक लव लाइफ होती है, दोनों लक्ष्य और उनकी गर्लफ्रेंड एक ही ट्रेन में ट्रेवल करते हैं एंड वहीं पर ट्रेन में जाते रात को कुछ लुटेरे। एंड आपको जो पूरी स्टोरी दिखाई देने वाली है 90% मूवी की स्टोरी आपको ट्रेन में दिखाई जाएगी। एंड जिस तरीके से इसका एक्शन शूट किया गया है ट्रेन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड कोई भी एक्शन सीन रिपीट नहीं किया गया है। एंड सभी मूवीज से ज़्यादा अलग है एंड इस मूवी का एक्शन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है लोगों को। एंड आप लोगों ने ऐसे एक्शन शायद लास्ट टाइम एनिमल में देखा को, उससे भी ज़्यादा ब्रूटल होने वाली है मूवी। एंड इस मूवी में राघव जुयाल ने काफ़ी अच्छा विलन का रोल प्ले किया। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी तो कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। एंड अगर आपको ऐसी मूवी रिलेटेड वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लेना।